ये मंथ नेटफ्लिक्स व्यूअर्स के लिए काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का मोस्ट अवेटेड सीजन लास्ट मंथ रिलीज किया गया जिसमें हमें 7 एपिसोड्स देखने को मिले। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजन 4 को 2 वॉल्यूम में बांटा गया है और वॉल्यूम 2 1 जुलाई को रिलीज किया जाएगा जिसमें हमें 2 और एपिसोड देखने को मिलेंगे, 8th और 9th एपिसोड। 8वें एपिसोड का रन टाइम 1 घंटे 25 मिनट है और 9वां एपिसोड 2 घंटे 20 मिनट का होगा। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री फिल्म गर्ल इन द पिक्चर 2017 में स्काई बोर्गमैन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री अबडक्टेड इन प्लेन साइट से सभी को चौंका दिया था। और अब 5 साल बाद बोर्गमैन और उनकी टीम हमारे लिए एक और ट्रू क्राइम बेस्ड स्टोरी लेकर आ रहे हैं गर्ल इन द पिक्चर। शैरन मार्शल और उसके फादर फ्रैंकलिन फ्लॉइड की दिल दहला देने वाली स्टोरी है जिसने अपनी बेटी के लाइफ को नरक बना दिया था। नेटफ्लिक्स एनिमेशन फिल्म्स पर काफी अच्छा काम कर रहा है। उनके ओरिजिनल एनिमेटेड फिल्म क्लॉज, आई लॉस्ट माय बॉडी और द मिचेल्स वर्सेस मशीन को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस साल नेटफ्लिक्स ने हमें पहले ही रिचर्ड लिंकलेटर की अपोलो 10½ अ स्पेस एज चाइल्डहुड जेम दिया है। और अब एक और एनिमेटेड फिल्म द सी बीस्ट को रिलीज किया जा रहा है। द सी बीस्ट एक एडवेंचर फिल्म है जो एक ऐसे टाइम में सेट किया गया है जब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हुआ करते थे और मॉन्स्टर हंटर्स उन्हें रोकते थे। ये फिल्म जैकब हॉलैंड की स्टोरी बताती है जो एक लेजेंडरी सी मॉन्स्टर हंटर है। जैकब की लाइफ तब चेंज हो जाती है जब मैसी ब्रम्बल नाम की एक लड़की उसके शिप पर चुपके से चढ़ जाती है और यहाँ से मैसी और जैकब की जर्नी स्टार्ट होती है। 4 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउ टू चेंज योर माइंड जो आपको साइकेडेलिक दवाओं के एक अननोन साइट के बारे में सिखाएगा। एकेडमी अवार्ड विनर एलेक्स गिबनी, न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑथर माइकल पोलन की 2018 की बुक हाउ टू चेंज योर माइंड व्हाट द न्यू साइंस ऑफ साइकेडेलिक्स टीचेस अस अबाउट कॉन्शियसनेस, डाइंग, एडिक्शन, डिप्रेशन एंड ट्रांसेंडेंस को अडेप्ट कर रहे हैं। जॉम्बी फिक्शन एक बार फिर से वापस आ रहा है। 26 साल, 14 कॉन्सोल्स और 7 मूवीज और अब नेटफ्लिक्स रेसिडेंट एविल की एक लाइव एक्शन सीरीज में अपना हाथ आजमा रहा है। सीरीज का मेन प्लॉट 2 टाइम्स में सेट है, 2022 और 2036, कुछ 14 साल के गैप के साथ। 2022 जहां से सारी घटनाएं शुरू हुई और अब प्रेजेंट में टी वायरस ह्यूमन सिविलाइजेशन को कम कर रहा है और अब जो बचे हैं वो दीवारों से घिरे हुए शहर में रह रहे हैं। हमारा फेवरेट पांडा और ड्रैगन मास्टर वापस आ गया है ब्लेड के साथ। नेटफ्लिक्स कुंगफू पांडा द ड्रैगन नाइट एक न्यू एनिमेटेड सीरीज को प्रीमियर करने के लिए तैयार है जो पो की हीरोइक सागा और उसके लेजेंडरी कुंगफू स्किल्स को जारी रखेगा। लेकिन इस बार पो का एक न्यू पार्टनर वैंडरिंग ब्लेड है। ये एनिमेटेड सीरीज 3rd सीरीज है और ओरिजिनल कुंगफू पांडा मूवीज फ्रेंचाइज से 9th स्पिन ऑफ है। स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जादूगर मध्य प्रदेश के एक स्मॉल फुटबॉल लविंग टाउन में एक स्मॉल टाइम मैजिशियन मैजिक मीनू जिसके पास कोई भी एथलेटिक स्किल्स नहीं है और उसे अपने प्यार से शादी करने के लिए एक फुटबॉल ट्रॉफी जीतना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी टीम कुछ सालों से एक भी मैच नहीं जीती है। नेटफ्लिक्स की अब तक की मोस्ट एम्बिशियस प्रोडक्शन में से एक द ग्रे मैन जो राइटर मार्क ग्रीनी की न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक पर बेस्ड है। और द ग्रे मैन फॉलो करता है एक फॉर्मर CIA हिटमैन को जो अपने देश से विश्वासघात करने के बाद अपने लाइफ के लिए लड़ता है। ये नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म के प्रीक्वल और सीक्वल भी डेवलपमेंट में है। तो ये थे इस मंथ रिलीज होने वाले नेटफ्लिक्स पर कुछ बेस्ट शोज। और इसके अलावा इस मंथ और भी बहुत सारे शोज रिलीज हो रहे हैं जिसका टाइटल्स आप आगे वीडियो में देख सकते हैं।